हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पसलमेनिया बितंकुर में। आज एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया कि सर, लद्दाख एग्जाम वाला जो आरटीआई है एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग, उस पर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। देखो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक आरटीआई और देखने को मिली थी एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग, और किसी स्टूडेंट ने वो आरटीआई मेरे साथ शेयर भी की थी। और जब मैंने वो आरटीआई खुद देख ली, कन्फर्म कर ली, उसके बाद ही मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया था और क्या क्या क्वेश्चंस उस आरटीआई में पूछे गए थे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। लेकिन लद्दाख एग्जाम वाले आरटीआई की बात करें तो ये आरटीआई मेरे पास है भी नहीं, और ना ही मुझे अभी तक लद्दाख एग्जाम वाला आरटीआई देखने को मिला है। इसलिए मैंने उस टॉपिक पर वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जब मैं खुद देख लेता हूँ, कन्फर्म कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ और स्क्रीनशॉट के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मेरे पास लद्दाख एग्जाम वाला आरटीआई नहीं था, इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई है। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इतना अंदाज़ा आपको भी लग गया कि इलेक्शन के पहले एसबीआई से किसी भी प्रोसेस की उम्मीद लगाना बेकार है। अब जो भी प्रोसेस है वो इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगी, इसलिए रिजल्ट के इंतजार में समय मत गवाइए, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करें, क्योंकि अगले महीने से नोटिफिकेशन और एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अब ज्यादा से ज्यादा समय आप तैयारी में दीजिए। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।